हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यारे फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे। नए टॉपिक का नाम है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में एसी जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसे आप लोग ढंग से समझिएगा, सुनिएगा, देखिएगा और याद भी करिएगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछेगा कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, इसके बनावट, इसके कार्य सिद्धांत और इसके कार्य प्रणाली को वर्णन करें। या इस ऐसे भी कर सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, व्याख्या कीजिए। ये 5 नंबर के आपको एग्जाम में पूछेगा एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ लीजिए, एक एक करके एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। हम एक एक पॉइंट फिगर के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एसी जनरेटर। तो आप याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा यंत्र है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को, किस ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसी को हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं? ऐसा यंत्र जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्तक भी कहते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखेंगे और आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली परिवर्तित करने वाली विद्युत मशीन को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्तक कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है या किसे कहते हैं? तो कहेंगे यह एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या प्रत्यावर्तक कहते हैं। अब बात करते हैं सिद्धांत की। सिद्धांत में पूछता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछेगा क्वेश्चन कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है या पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत को लिखिए। तो हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है, वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र
किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, तो उसमें हमें बताना था एसी जनरेटर जिसे प्रत्यावर्ती धारा जनित, तो वहां पर हम आपको बताए थे कि ये टॉपिक हम छोड़ दे रहे हैं जब हम अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा हम बताएंगे, तो उस चैप्टर में हम एसी जनरेटर की बात करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हम वहां पर आपको बताए थे, यदि वीडियो देखे होंगे तब तो आपको याद होगा। तो हम लोग इस चैप्टर यानी कि विद्युत प्रत्यावर्ती धारा में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब सवाल यह है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे कार्य करता है उसके बारे में भी लिखेंगे। तो सबसे पहले हम सिद्धांत की बात करते हैं, सिद्धांत प्रिंसिपल, सिद्धांत प्रिंसिपल हम लिखेंगे क्या, यह विद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिएगा इसका सिद्धांत, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है? तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कहेंगे यह प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, जब किसी कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करता है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। तो हम इसके बारे में डिटेल समझेंगे, इसके बनावट क्या है, बनावट के रूप में इसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का बनावट, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का बनावट की बात कर रहे हैं, बनावट कंस्ट्रक्शन।
कंस्ट्रक्शन में हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के प्रमुख घटक निम्न है, लिख सकते हैं प्रमुख घटक निम्न है। अब कौन कौन घटक है हम फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे, ध्यान से इस फिगर को समझिएगा। इस फिगर को आप लोग ध्यान से समझिएगा, फिगर तो कट नहीं रहा होगा फिगर। चलिए ये ए कर लेते हैं, ये बी कर लेते हैं, ये सी कर लेते हैं, ये डी कर लेते हैं, ये ए बी सी डी, ये ए बी सी डी जो है ध्यान से समझिएगा। ये नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। ये नॉर्थ पोल और ये क्या है साउथ पोल, और इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में हमारा ए बी सी डी जो है एक आर्मेचर है। इस आर्मेचर पर बहुत सारे तार के फेरे लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं तार के फेरे लगे हुए हैं, और ये कुंडली इस तरह से लंबवत इसमें घूम रहा है, क्या कर रहा है लंबवत घूम रहा है। और इस ए बी सी डी से एक तार निकला हुआ है इस तरह से, ध्यान से समझिएगा। ये नीचे तो दिखाई, हाँ चलिए फिगर में आपको दिखाई देना चाहिए, चलिए दिखाई दे रहा है। तो ये R1 है और ये क्या है R2 है, क्या है R1 और R2 है, इसको हम सर्पी रिंग बना दिए, ये सर्पी रिंग है, ये R1 और R2 है। R1 R2 क्या है इसको रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिंग, ये रिंग है। और इस रिंग के माध्यम से एक B1 और B2 जो है, ये B1 और B2 जो है वो ब्रूस है, क्या है ब्रूस है, और ये है RL, RL जो है वो लोड है, और इस लोड से क्या होता है दो तार निकला हुआ रहता है जिसे हम निर्गत बोलते हैं, क्या बोलते हैं निर्गत, इसको बोलते हैं निर्गत। और ये जो है इसको हम, आप जनरेटर देखे होंगे, ये B1 B2 ब्रश है जो रिंग के साथ सटा हुआ है, और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि RL जो है वो लोड है, RL क्या है लोड है, और ये है निर्गत। अब इस फिगर में जो जो चीज दिया है उसके बारे में डिटेल हम लोग लिखेंगे और एक एक पॉइंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ए बी सी डी क्या है, आर वन आर टू क्या है, बी वन बी टू क्या है, आर एल क्या है, और निर्गत क्या है, और ये किस तरह से कार्य करता है इसके कार्य प्रणाली के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो ये आप समझ चुके होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत क्या है। अब बनावट की बात कर रहे हैं, बनावट तो बनावट में
इसकी कुछ निम्नलिखित पार्ट होते हैं, निम्नलिखित घटक होते हैं, उस एक एक घटक की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमरेचर। सबसे पहले बात करते हैं अमरेचर। आर्मेचर ये क्या है? कहेंगे आर्मेचर कुंडली ABCD, आर्मेचर कुंडली ABCD, ये आप देख सकते हैं ABCD जो है आर्मेचर कुंडली है। आर्मेचर कुंडली को कच्चे लोहे के क्रोड पर विद्युत रोधी विद्युत रोधी तांबे की तार के तांबे की तार के बहुत से फेरों को लपेट कर बनाया जाता है। बस यहीं तक हम लिख रहे हैं, आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा। आर्मेचर क्या है, इस फिगर को आप समझिएगा। ये आर्मेचर ABCD, ये आर्मेचर ABCD जो है ABCD कच्चे लोहे के क्रोड पर, ये कच्चा लोहा होता है और इस कच्चे लोहे की क्रोड पर तांबे के बहुत सारे फेरे को लपेट कर बनाया जाता है, जिसे हम अमरेचर कहते हैं। अमरेचर किसे कहेंगे? ABCD एक आयताकार प्लेट होता है। इस आयताकार प्लेट जो होता है वो कच्चे लोहे का होता है और उस कच्चे लोहे पर विद्युत रोधी तार के वो बहुत सारे फेरे को लपेट कर बनाया जाता है, जिसे हम अमरेचर कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया बनावट। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट बताएंगे, तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और हम बात करेंगे इसके सेकेंड घटक की, यानी कि जो हम बनावट पढ़ रहे हैं इस बनावट के सेकेंड घटक की बात करेंगे। सेकेंड घटक सेकेंड घटक की बात हम लोग करेंगे। सेकेंड घटक में हम लिखेंगे क्या? ध्यान से समझिएगा, शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक। शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट क्या है, आप फिगर में देख सकते हैं कि ये दो ध्रुव है, एक N और एक S। ये दो ध्रुव जो है वो परमानेंट मैग्नेट है, जिसे शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक कहते हैं।
ये आप देख सकते हैं एन और एस क्या है, परमानेंट मैग्नेट है जिसे हम शक्तिशाली चुंबक कहते हैं। इस शक्तिशाली चुंबक के बीच में ही इस आर्मेचर ए बी सी डी को रखा जाता है। तो लिखते क्या है, बेलाकार ध्रुव, बेलाकार ध्रुव, ये बेलाकार ध्रुव है, बेलाकार ध्रुव एन तथा एस, ध्रुव कौन कौन है, एन और एस है, एन तथा एस वाली किसी शक्तिशाली शक्तिशाली अस्थाई चुंबक, अथवा विद्युत चुंबक के क्षेत्र चुंबक के रूप में, विद्युत चुंबक के क्षेत्र चुंबक के रूप में विद्युत चुंबक के क्षेत्र चुंबक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, आर्मेचर कुंडली क्षेत्र चुंबक के, आर्मेचर कुंडली क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य घूर्णन करती है, ध्रुव खंडों के मध्य घूर्णन करती है क्षेत्र चुंबक से उत्पन्न अस्थाई, क्षेत्र चुंबक से उत्पन्न समांगी चुंबकीय क्षेत्र, समांगी चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के घूर्णन अक्ष के लंबवत होता है, ध्यान से समझिएगा, शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक ये एन और एस जो है वो बेलनाकार ध्रुव है जिसे हम शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक, अस्थाई चुंबक या विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहेंगे, इस एन एस जो है, एन एस अस्थाई, ये बेलनाकार अस्थाई चुंबक है या हम कहेंगे विद्युत चुंबक, अस्थाई चुंबक या विद्युत चुंबक। और इस स्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक के बीच में आर्मेचर जो कुंडली होता है ए बी सी डी, इन दोनों के मध्य घूर्णन करती है, और घूर्णन जो करती है ये एक दूसरे के लंबवत घूर्णन करती है। क्या होती है, कभी 90 डिग्री, कभी क्या होता है 45 डिग्री, इस तरह से ये लंबवत घूर्णन करती रहती है और जिससे कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है। ध्यान से समझिएगा, ये एनएस जो है वो बेलनाकार अस्थाई चुंबक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है विद्युत चुंबक है, इस विद्युत चुंबक के मध्य जो है आर्मेचर कुंडली है, या आर्मेचर कुंडली जो है विद्युत चुंबक के मध्य घूर्णन करती है,
लंबवत गुणन करती है। कैसी गुणन करती है? लंबवत गुणन करती है। तो ये सेकेंड पार्ट इसका लिख लिए, सेकेंड घटक लिख लिए। अब थर्ड घटक की बात करते हैं, सर्पी वलय। थर्ड की बात करते हैं, सर्पी वलय। सर्पी वलय जिसको स्लिप रिंग बोलते हैं, स्लिप रिंग, ये R1 R2 जो है ये सर्पी वलय है। लिख सकते हैं आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों, आर्मेचर कुंडली के दोनों सिरों, देख सकते हैं एक ये सिरा है और एक ये सिरा है, मतलब एक ए की तरफ का सिरा है, एक डी की तरफ सिरा है। दोनों सिरों को, दोनों सिरों को पीतल, पीतल मतलब ब्रास की दो सर्पी वलय की, दो सर्पी वलय R1 तथा R2, दो सर्पी वलय, आप देख सकते हैं सर्पी वलय कौन कौन है, R1 तथा R2 से जोड़ा जाता है। R1 तथा R2 से जोड़ा जाता है। एक ये है R1, पहला सिरा से जोड़ा जाता है, और एक दूसरा सिरा जो है वो R2 से जोड़ा जाता है। सर्पी वलय आर्मेचर कुंडली के साथ घूर्णन करती है। सर्पी वलय आर्मेचर कुंडली के साथ साथ घूर्णन करती है। ये आप देख सकते हैं कि ये जैसे जैसे आर्मेचर कुंडली ए बी सी डी घूमती है, वैसे वैसे सर्पी कुंडली यानी कि R1 R2 भी घूमती है। तो ध्यान से समझिएगा कि ये R1 R2 जो है वो सर्पी वलय है। सर्पी वलय जो होती है ये ए बी सी डी यानी कि आर्मेचर कुंडली के साथ जुड़ी हुई रहती है, और जैसे जैसे आर्मेचर कुंडली घूमती है वैसे वैसे सर्पी, ये सर्पी जो रिंग है ये भी घूमती रहती है। ये R1 R2 जो होता है हम कहेंगे कि ये पीतल की बनी होती है। अब सवाल ये है कि ये पीतल की क्यों बनती है? जो सर्पी कुंडली है, सर्पी वल है, ये पीतल की ही क्यों बनती है और दूसरे का क्यों नहीं बनती है? तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ये ब्रश के साथ, ये ब्रूस B1 B2 जो है, ये ब्रूस है, ब्रूस के साथ जैसे जैसे घूमती है तो ये पीतल के कुछ कण जो होते हैं इस सर्पी वल्ले पर आकर के रुक जाते हैं। क्या होते हैं? सर्पी वल्ले पर इसके जो कण होते हैं रुक जाते हैं, और वो कण जो होते हैं वो एज ए लुब्रिकेट का काम करते हैं। लुब्रिकेट आप समझ सकते हैं, लुब्रिकेट उसे कहते हैं जो घर्षण बढ़ा देता है। घर्षण क्या करता है? लुब्रिकेट बढ़ा देता है, यानी कि इन दोनों R1 और B1, R2 और B2 के बीच में जो होता है घर्षण वो बढ़ जाता है, वो कंटिन्यू चलते रहता है। इसीलिए पीतल का रिंग सर्पी वलय यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये तीन हो गया है। हम चौथा की बात करते हैं, तो इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चौथा, उसके बाद वर्किंग की भी बात करेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग फोर्थ घटक की बात करेंगे।
फोर्थ घटक ब्रूसेस। अब कौन है ब्रूसेस, लिखेंगे क्या फोर्थ घटक में ब्रूस, ब्रूसेस। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि B1 B2 जो है वो दो ब्रूस हैं, तो इसका काम क्या होता है, सर्पिवलय के संपर्क में, सर्पिवलय के संपर्क में, या आप देख सकते हैं कि R1 R2 जो है सर्पिवलय है, इस सर्पिवलय के संपर्क में B1 B2 है, तो लिखेंगे सर्पिवलय के संपर्क में रहते हैं, सर्पिवलय के संपर्क में रहते हैं, सर्पिवलय के घूर्णन के समय, सर्पिवलय के घूर्णन के समय, सर्पिवलय के घूर्णन के समय ब्रूस अस्थाई अवस्था में रहते हैं, ब्रूस अस्थाई अवस्था में रहते हैं, मीन्स ये R1 R2 घूमते रहता है, लेकिन उसके बगल में जो सर्पिवलय होता है वो अस्थाई रूप में रहता है, सर्पिवलय के घूर्णन के समय ब्रूस अस्थाई अवस्था में रहते हैं, ये ब्रूस लोड से संबंध रहते हैं, ये ब्रूस जो होते हैं लोड से संबंध रहते हैं, ये आप देख सकते हैं ये RL जो है लोड है, क्या है RL जो है लोड है, ये B1 B2 जो है इस RL यानी कि लोड से क्या है संबंध रखते हैं, संबंध रहते हैं, जिससे निर्गत प्राप्त किया जाता है, जिससे निर्गत प्राप्त किया जाता है, निर्गत का मतलब क्या होता है, इससे जब प्रत्यावर्ती धारा बाहर निकलती है तो उसी को निर्गत बोलते हैं, ये दोनों तार आप देख सकते हैं दो तार इस तरह से निकला हुआ है ये, तो ये दोनों तार निर्गत के रूप में हैं। अब बात करते हैं कार्य प्रणाली, अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये घटक था कि किस तरह से मीन्स प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का अलग अलग पार्ट होता है, अब ये जानेंगे कि किस तरह से ये पार्ट जो है ये कार्य करता है, तो आप बात करेंगे क्या कार्य प्रणाली की, कार्य प्रणाली वॉकिंग, कार्य प्रणाली किसकी कार्य प्रणाली की बात कर रहे हैं, एसी जनरेटर की वॉकिंग। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बीच में आते रहते हैं जाते रहते हैं, पूछते हैं कि सर कौन चैप्टर पढ़ा रहे हैं या कौन टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है जब भी लाइव क्लास स्टार्ट होता है तो आप स्टार्टिंग से देखने की कोशिश करिए, या फिर यदि आप बीच में आ चुके हैं तो सिर्फ वहीं से आप देखिए ध्यान से, उसके बाद जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाता है उस वीडियो को दोबारा आप शुरू से देखिए, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि बीच में आप आ जाते हैं तो बीच में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हम इतना विद्वान नहीं है कि आप तुरंत आइए और हम तुरंत आपको दिमाग में बैठा दें, हम इतना भी हम विद्वान टीचर नहीं है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप प्लीज आप इसे शुरू से जरूर देखिएगा, यदि शुरू से देखिएगा तो विश्वास करिए कि आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर होते जाए और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो हम बात करते हैं कार्य प्रणाली ऑफ मीन्स वर्किंग ऑफ AC जनरेटर, कार्य प्रणाली यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की
कार्य प्रणाली की बात करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब आवरेचर कुंडली ABCD जैसे कि आप जानते हैं कि ABCD जो है ये आमरेचर कुंडली है, शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक द्वारा चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। क्या करती है? घूर्णन करती है तो ये आप देख सकते हैं ABCD जो है वो कहां पे है, इस शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक के बीच है, मध्य है। अब इस शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक के मध्य जब ABCD इसको हैंडल, आप देखे होंगे हैंडल एक बार मार दिया जाता है तो बार बार घूमने लगता है। आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में जो जनरेटर लगा हुआ रहता है, एक बार हैंडल मारकर घुमा करके छोड़ दिया जाता है। देखे हैं आप लोग देखे होंगे कि जब हैंडल मारा जाता है, जनरेटर की हैंडल को मारा जाता है तो एक बार मार करके उसको छोड़ दिया जाता है और ये क्या होता है, दो शक्तिशाली क्षेत्र चुंबक के बीच में क्या करने लगती है, घूर्णन करने लगती है। क्या करती है? घूर्णन करती है तो यह चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है। तो यह चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है। चुंबकीय बल रेखाओं को क्या करती है? काटती है। कैसे काटेगी? अब उत्तरी ध्रुव जो है चुंबकीय बल रेखाएं इधर की ओर करेगी, दक्षिणी ध्रुव जो है चुंबकीय बल रेखाएं इधर की करेगी। तो इधर जो भी रेखाएं होंगी उस रेखाएं को क्या करेगी, बार बार उसके चुंबकीय क्षेत्र में अगर घूमेगी तो उस रेखाओं को क्या करेगी, चुंबकीय बल रेखाओं को वो काटती है आमरेचर के घूर्णन के कारण कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे जैसे ये ABCD आमरेचर जो है ये घूमती रहती है, जैसे जैसे ABCD जो आमरेचर है इस क्षेत्र चुंबक के मध्य घूमती रहती है तो ये क्या करता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उस चुंबकीय बल रेखाएं को ये काटती है, और जैसे चुंबकीय बल रेखाएं को काटती है इस चुंबकीय बल रेखाएं मिस आमरेचर के घूर्णन के कारण जो संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है उस संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन होता है तथा इसलिए कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित
वाहक बल उत्पन्न होता है। क्यों कैसे होता है कि जब इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जैसे हम लोग पढ़े हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को ही हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो जब किसी स्थायी चुंबक के मध्य किसी आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है तो वह आर्मेचर कुंडली चुंबकीय बल रेखाओं को काटती है, चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तित करती है। तो इस चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तित होने के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है कुंडली में, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा धारा की दिशा अथवा धारा की दिशा धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। वैसे हम लोग फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम पढ़ चुके हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि जब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है तो यह प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो धारा होती है, यह धारा की दिशा जो होती है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा जो होती है, वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से निर्धारित की जाती है। तो आप क्या करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा दो लाइन और है, कार्य प्रणाली खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर के प्रकार, यानी कि जो कमर्शियल जनरेटर होते हैं, व्यवसायिक जनित्र होते हैं, वो कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन होंगे और किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ज्यादा नहीं, बहुत कम है और उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आप ध्यान से समझिएगा। इसको समझिएगा, पहले अर्ध चक्र में धारा ब्रूस ब्रूस बी वन से एक दिशा में प्रवाहित होती है। पहले जब एबीसीडी आर्मेचर जो है इसका एक अर्ध दिशा होगा, तो पहले अर्ध दिशा में जो धारा होगी वो बी वन से प्रवाहित होगी। आप देख सकते हैं ये क्या है, दो है निर्गत, एक बी वन से प्रवाहित होगी। फिर क्या होता है, तथा दूसरे अर्ध चक्र में
धारा ब्रूस बी2 से धारा ब्रूस बी2 से धारा ब्रूस बी2 से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। बी2 से धारा ब्रूस बी2 से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। पहले अर्धचक्र में जो धारा होती है ब्रूस बी1 से प्रवाहित होती है, दूसरे अर्धचक्र में जो धारा होती है ब्रूस बी2 से विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अतः उत्पन्न होने वाली धारा प्रत्यावर्ती होती है। अतः उत्पन्न होने वाली धारा प्रत्यावर्ती होती है। उत्पन्न होने वाली धारा क्या होती है? प्रत्यावर्ती होती है। अब ध्यान से इसको एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जब ABCD आर्मेचर कुंडली को हम अस्थाई चुंबक के बीच में घुमाते हैं तो इसके बीच जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, उस चुंबकीय बल रेखाएं को ये आर्मेचर कुंडली काटती है, मीन चुंबकीय बल रेखाएं को परिवर्तित करती है। और ये चुंबकीय बल रेखाएं परिवर्तन के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल या इसमें उत्पन्न जो धारा होती है, इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से देते हैं। जब कुंडली ABCD आर्मेचर कुंडली जब आधा चक्र पूरा करती है तो इसकी जो धारा होती है वो ब्रूस बी1 से होकर के बाहर निकलती है, तथा दूसरे अर्ध चक्र में जो धारा होती है विपरीत दिशा से बी2 से निकलती है। तो इस प्रकार ये क्रिया जो होती है लगातार चलती रहती है, जिसके कारण जो धारा उत्पन्न होता है उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कह देते हैं। तो इस तरह से प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चैप्टर मीन्स ये जो आप कह सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे इसमें कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है ये कमर्शियल रूप में व्यवसायिक रूप में भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो हम ये जानेंगे कि व्यवसायिक रूप में कितने तरीके से हम कर सकते हैं और उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग जानेंगे व्यवसायिक जनित्र। सबसे पहले जानेंगे व्यापारिक जनित्र। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहीं तक कंप्लीट हो गया। अब हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं व्यापारिक जनित्र। आपसे अगर कोई पूछ दे कि व्यापारिक जनित्र किसे कहते हैं, व्यापारिक जनित्र में कितने भाग होते हैं, कौन कौन व्यापारिक जनित्र होते हैं और वो कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम आपको डिटेल समझाएंगे। तो थोड़ा सा 5 मिनट का और है, तो आप इसे भी देख लीजिए कि व्यापारिक जनित्र कैसे होता है। व्यापारिक जनित्र नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा जनित्र जो व्यापार में प्रयोग करते हैं। जैसे सपोज दैट ये बिजली हम यूज कर रहे हैं, तो ये बिजली जो है यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं ना कि फ्री में यूज कर रहे हैं। हमें क्या करती है, कंपनियां हमें बिजली को सेल करती है, बेचती है, वो बिजली बेचती है, हम इसे यूज करते हैं। तो ये व्यापारिक जनित्र के कारण जो बिजली आता है, जो हम घरों में यूज करते हैं, वो व्यापारिक जनित्र के कारण होती है। अब व्यापारिक जनित्र बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई न्यूक्लियर पावर जनरेटर होगा, कोई हाइड्रो पावरिक जनरेटर होगा, या
हीट जेनरेटिंग पावर होगा, बहुत प्रकार के होंगे, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ध्यान से इसको भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारी के जनित्र। जिसे हम बोलते हैं कमर्शियल जनरेटर। कमर्शियल जनरेटर वैसे जो व्यापारिक के रूप में, व्यापार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, वो कमर्शियल जनरेटर के रूप में या व्यापारिक जनित्र के रूप में कहा जाता है। हमें जानना यह है कि व्यापारिक जनित्र कौन है और उसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, ये मेन है। अगर आपसे कोई व्यापारिक जनित्र की परिभाषा पूछे तो हम कहेंगे वैसा जनित्र जो हम व्यापारिक, व्यापार के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम व्यापारिक जनित्र कहते हैं। जैसे आप अभी जानते होंगे कि टाटा जो है वो बिजली उत्पादन करके कंपनियां जो होती है वो बेचती है, फैक्ट्रियों को देती है, घरों में सप्लाई करती है। या फिर रिलायंस का भी पावर जनरेटर है, वो भी अपना क्या होता है बिजली को उत्पादन करके वो बेचती है। तो कमर्शियल जो वे लोग यूज करते हैं और मार्केट में सेल करते हैं। आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अब तो सोलर एनर्जी पावर जनरेटर भी आ चुका है कि सोलर से हम क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करके उसको मार्केट में बेचते हैं, तो भी एक तरह से जनरेटर मीन्स उत्पादन किया जा रहा है। तो हम लोग जानेंगे जो मेन अभी जो प्रयोग किया जा रहा है उसकी बात करेंगे। तो हम जानते हैं विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियां, विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियां विद्युत आपूर्ति करने वाली कंपनियां व्यापारिक अल्टरनेटरों का अल्टरनेटरों का प्रयोग करती है। व्यापारिक अल्टरनेटरों का प्रयोग करती है जिसका विभेदीकरण मूल गति उत्पादन के आधार पर किया जाता है, जिसका विभेदीकरण मूल गति के आधार पर, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आधार पर मूल गति उत्पादन के आधार पर किया जाता है। जो निम्न है, फर्स्ट की बात करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित्र। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित्र, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित्र वे जनित्र जिसमें बांधों से, वे जनित्र जिसमें बांधों से या कुछ ऊंचाई से पानी गिराकर उनके आर्मेचर पानी गिराकर
उनकी आमरेचर आमरेचर या क्षेत्र को घुमाया जाता है घुमाया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित कहलाता है। ध्यान से समझिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित्र किसे कहेंगे? जब ऊंचे ऊंचे बांधों से पानी को स्टोर करके जब गिराते हैं तो वो नीचे आमरेचर लगे हुए रहते हैं। वो आमरेचर जैसे जितना ही तेजी से घूमता है बिजली का उत्पादन होता है, तो वैसे बिजली के उत्पादन को ही हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित्र बोलते हैं। क्या कहेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित्र। तो ये एक प्रकार का हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनित्र है। इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद दूसरा और तीसरा भी बताएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो हम लोग सेकेंड और थर्ड की बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जानते भी होंगे इसलिए सेकेंड की बात करते हैं। ऊष्मीय जनित्र जिसको बोलते हैं हीट थर्मल जनरेटर। थर्मल जनरेटर वह जनित्र जिसके आमरेचर जिसके आमरेचर या क्षेत्र को भाप के बॉयलरों से जिनको कोयले जलाकर गर्म किया जाता है उसमें जनित्र कहते हैं। उसमें जनित्र क्या होता है? ये एक्चुअली इसमें एक बड़े बड़े बॉयलर होते हैं। उस बॉयलर में पानी को डाला जाता है और पानी डाल करके नीचे कोयले को जला करके पानी को क्या किया जाता है, उष्मा दिया जाता है। और उष्मा से उसमें क्या होता है, भाप निकलने लगता है और उस भाप के कारण आमरेचर या क्षेत्र को घुमाया जाता है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, थर्मल जनरेटर या उष्मीय जनरेटर। तो इस तरह से उष्मीय जनरेटर हो गया। तीसरा और लास्ट है नाभिकीय ऊर्जा जनित्र। नाभिकीय ऊर्जा जनित्र न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर की बात करते हैं। वह जनित्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा से गर्म होने वाले नाभिकीय ऊर्जा से गर्म होने वाले
बॉयलरों का प्रयोग किया जाता है। बॉयलरों का प्रयोग किया जाता है जिसकी सहायता से उसकी अमरेचर या क्षेत्र घुमाया जाता है। क्षेत्र घुमाया जाता है उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। उसे नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? जब बड़े बड़े बॉयलर को नाभिकीय शक्ति से उस बॉयलर को गर्म करके उष्मा उत्पन्न करके जब बिजली का उत्पादन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा। तो इस तरह से ये आपका हो गया। एक चीज और याद रखिएगा, यूएसए, यूएसए का मतलब यूनाइटेड साउथ अमेरिका, यानी कि अमेरिका में जो बिजली की सप्लाई होती है व्यापारिक जनित्रों की आवृत्ति होती है वो 60 हर्ट्ज होती है और भारत में 50 हर्ट्ज होती है। यानी हम लिख सकते हैं अमेरिका में व्यापारिक जनित्रों की आवृत्ति साठ हर्ट्ज, जबकि भारत में 50 हर्ट्ज होती है। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर का वीडियो था वो प्रत्यावर्ती जनित्र का था। तो इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से ये जो चैप्टर का वीडियो मींस एसी जनरेटर हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। एसी जनरेटर का पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हम कर दिए हैं। यदि कोई बीच में आया है तो उसे आप शुरू से भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।